नहीं दोस्तों, ये कोई डेली सोप नहीं है। हम आपको जो भी दिखा रहे हैं वो बिल्कुल सच है। हम उस जगह के ठीक ऊपर उड़ रहे हैं जहाँ डायनासोर की लड़ाई हो रही है। पूरा शहर आग में चल रहा है। हमारे पास जो भी ताज़ा खबर होगी हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। लग रहा है अब इस लड़ाई में एक तीसरा डायनासोर भी शामिल हो गया है। हमें अभी अभी अपने एक्सपर्ट से खबर मिली है कि ये लड़ाई एक पैरासरोलोपस, एक एक्रोकैंथोसॉरस और एक ट्राइसेराटॉप्स के बीच चल रही है। ये तीनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ये है इस सदी की सबसे बड़ी खबर। जैसे जैसे ये लड़ाई आगे बढ़ेगी हम आपको खबर देते रहेंगे। ये करीब करीब तैयार है, बस इसे इसके साथ फ्यूज करना है। अब इसे सोल्डर करके इसके साथ वेल करना है। उसके बाद पता नहीं डॉक्टर जी इस बार आखिर क्या बना रहे हैं। कुछ भी हो, बहुत बड़ा एक धमाका होने वाला है और हम धूल मिट्टी में नहाने वाले हैं। नहीं, शायद इस बार ऐसा ना हो, इनकी खोज कामयाब हो जाएगी। आखिरकार मेरा सुपर अल्फा कंट्रोलर काम करने लगा। अब देखो इतनी मेहनत से जो एक्रोकैंथोसॉरस कार्ड मंगवाया है उससे ये कैसे काम करता है। कमाल है, उसके लिए आग में तो हम लोग चले थे ना। फायर फाइटर्स ने हमें घसीटा था ना। और पिटे भी तो हम ही थे ना। सबसे पहले तो मैं इस डायनासोर कार्ड को अपने सुपर अल्फा कंट्रोलर के अंदर डालूंगा, फिर स्विच ऑन करूंगा और फिर ये तो पहले से ज्यादा सुंदर लग रहा है। तुम्हें सिर्फ सुंदरता दिख रही है, ये एक्रोकैंथोसॉरस अब पहले से ज्यादा दमदार हो गया है। इसे एक्टिवेट करने पर डायनासोर पूरी तरह से तुम्हारे कंट्रोल में होगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर हमें करना क्या है? तुम्हें वो सारे कार्ड्स लाने हैं जो पिद्दी यहाँ से ले गए थे। इतने दमदार डायनासोर के साथ तो तुम तीनों कामचोर भी जीत जाओगे। हमारी तारीफ मत कीजिए सर। वैसे भी इसे तारीफ सुनने की आदत कहाँ है। मुझे पूरा भरोसा है कि जीत तुम्हारी ही होगी। तुम अपने डायनासोर से यही छोड़कर जा सकते हो। बस बहुत हो गया, मेरी दाढ़ी छोड़ दो। खुले मैदान में कैंप में रहने का मजा ही अलग है ना बच्चों? चलो पहले टेंट लगा लेते हैं फिर कुछ खाते हैं। संभाल कर। ओ नहीं, रुक जाओ एश, तुम और आगे जाओगे तो नीचे गिर जाओगे। मैं आ गया। तुम पानी से बहुत डरते हो है ना एश? घबराओ मत, तुम बिल्कुल ठीक हो दोस्त। मुझे मछली मिली रेक्स। हाँ मुझे भी मिली है। नहीं वो हमारा खाना है, हट जाओ वहाँ से। एश ये लो, ये तुम्हारे लिए। अरे नहीं देखो रेक्स, वहाँ आग लगी है। अरे नहीं, हमारे डायनो होल्डर्स उस टेंट में है। अच्छा हुआ कि मैं और जोई टेंट के ज्यादा करीब नहीं थे, वरना जल जाते। ये बात तो है, मगर हमारे डायनो होल्डर्स बुरी तरह से जल गए हैं, ये बड़ी मुसीबत है। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मैक्स। शायद ये इस हाल में भी जल जाए। रीज हमें सुन सकती हो?
हम इससे बात भी नहीं कर सकते। ज्यादा फिक्र मत करो बच्चों, हम लैब में वापस चलते हैं, रीज इन्हें ठीक कर देगी। सुनो ध्यान से, इस तरह तो हम अगले साल तक पहुंचेंगे। तुम लोग अपना पूरा जोर लगाओ। अरे इन्होंने तो अर्सुला की बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। आगे से कुछ भी कहने से पहले सोच लिया करो, और तुम लोग भी अपनी आंखें खोल कर चला करो। सही सलामत पहुंच तो गए। हाँ मगर हम पहुँचे कहाँ है? नक्शे में क्या है एड? नक्शा? नक्शा तो तुम्हारे पास था ना? मुझे बहुत अफसोस है, पर अच्छा है कि तुम लोग सही सलामत हो। थैंक्स रीज, मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डायनो होल्डर्स को ठीक करना। उन्हें ठीक करने में कितना वक्त लगेगा? ज्यादा नहीं, मैं घंटे भर में इन्हें काम करने के लायक बना दूंगी। चलो ये अच्छा है। ये लो रीज, पहले मेरा बना दो। ओए चुप रहो, पहले मेरा करना। तुम पहले ढकेलना बंद करो मैक्स। सॉरी, इस वक्त हमें चौंक की ज्यादा जरूरत है, इसके बिना वो किसी काम का नहीं है। तो क्या हुआ? एस तो है ना? रहने दो, चौंक उससे तगड़ा है। एस तगड़ा है। पहले ये बताओ कि हमारे डायनो होल्डर्स किसकी वजह से जले हैं? मैं नहीं जानता। तो रीज पहले मेरा ठीक कर दो। पहले मेरा वाला होगा। तो अब हम वहाँ चले जहाँ वो पिद्दी रहता है। हाँ चलते हैं। चलो अब निकालो एक्रोकैंथोसॉरस को, देखे तो सही ये क्या कर सकता है। हाँ पहले उसे आजमा लेते हैं। एक्रोकैंथोसॉरस आज। किसने कहा निकम्मे कहीं के? सॉरी, मुझे और कुछ सुझाई नहीं। ये तो पहले से भी ज्यादा बड़ा हो गया है और ज्यादा खतरनाक भी। डायनासोर, हमें अपना प्रोफाइल दिखाओ। अब पीछे घूमो और पूंछ लहरा कर दिखाओ। भाई वाह, ये तो तुम्हारी हर बात मान रहा है। डॉक्टर सी का अल्फा कंट्रोलर काम कर रहा है। चलो, सन की साइंटिस्ट ने कुछ तो बनाया जो काम भी करता है। आखिरी टेस्ट, अब ये डायनासोर हमें सलाम करेगा। आज के बाद ऐसी हरकत करने से पहले मुझसे पूछ लेना। अच्छा ठीक है, पूछ लूंगा। इस डायनासोर को तो शायद आग के बीच रहना पसंद है। ठीक है, चलो शहर में, वहाँ भी कुछ हंगामा करते हैं। लगता है उसने पहले कभी डायनासोर नहीं देखा है। गलत है, वो पिद्दी अभी तक हमारा स्वागत करने भी नहीं आए। पर वो हमारा स्वागत करने क्यों आएंगे? एक तो हम उनके दुश्मन हैं, दूसरे हमने उन्हें अपने आने की खबर कहाँ दी है। तुम उनकी तरफ से हो या हमारी तरफ से? जरा रुक जा, मुझे नहीं लगता कि आग उगलने वाले डायनासोर के साथ पेट्रोल पंप के करीब जाना ठीक रहेगा। वहाँ धमाका हो सकता है। ये क्या कर रहे हो? उसे रोको सैंडर। रोका था, लगता है कंट्रोलर में कुछ हो गया है और अब ये काम नहीं कर रहा है। आज गर्मी कुछ ज्यादा ही है ना? हाँ वाकई बहुत ज्यादा। देखो वो क्या है। मैंने कहा रुको, भागो। मान गया, अब इस कंट्रोलर की क्या जरूरत। अच्छा, अगर वो तुम्हारी बात मानता ही है तो उसे वापस बुलाओ। और उससे कहो कि पेट्रोल पंप में धूम धड़ाका नहीं करे। पेट्रोल पंप में आग मत लगाना। कोई असर नहीं हुआ। मेरे ख्याल से वो जैंडर की ही बात सुनता है। वो क्राइम मास्टर जैंडर की बात भी नहीं सुनता। ये क्या हो रहा है?
देखो शहर में आग लगी है, कोस्ट रोड पर लगी है और आग काफी तेज भी है। अच्छा मैं अभी पता लगाता हूँ। अकेले मत जाओ, अपना हेलमेट पहन लो मैट। ठीक है। ये लो हमारा काम तमाम जेंडर, हमारा काम तमाम। पेट्रोल पंप में लगी आग की बिल्कुल ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी तक हमें सबूत नहीं मिले हैं, पर कुछ लोगों का ये कहना है कि ये आग एक डायनासोर की वजह से लगी है। ये तो वही एक्रोकैंथोसॉरस लग रहा है। ये पहले से ज्यादा बड़ा और दमदार हो गए। अच्छा होगा मैं सबको यही बुला लूं। आंटी अब तो जलावा बैंगन लग रही हो। मैं जल गई हूँ पर मैं आंटी नहीं हूँ। हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे मुन्ने। अब समझा, आग लगाने का काम तुम ही लोग कर सकते हो। ये बात सही नहीं है, मगर आप कह सकते हो कि इसमें हमारा भी हाथ। थैंक यू एड। इस बार भी हार जाओगे। पहले ये बताओ कि तुमने उस एक्रोकैंथोसॉरस का क्या किया है। तुमने हमारा नया मॉडल नहीं देखा क्या? क्या वो वही है? जब तुम समझ गए हो कि वो क्या कर सकता है तो एक अच्छे बच्चे की तरह वो डायनासोर कार्स हमें दे दो, वरना हम इस पूरे शहर को जलाकर राख कर देंगे। पागलो, वो कार्ड्स तो तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। नहीं, ठीक है, उनमें से आधे कार्ड्स ही दे दो। ये लो, इसे ठीक कर दिया। थैंक यू रीस, तुम्हारा जवाब नहीं। एक बुरी खबर है दोस्तों, हमने जो आग देखी थी वो अल्फा गैंग ने अपने डायनासोर से लगवाई है। क्या? किससे? हमने उसे देखा है क्या? हाँ, उसी एक्रोकैंथोसॉरस से जो वो हमसे छीन कर भाग गए थे। अब वो खतरनाक हो गया है और वो आग का दीवाना है। आग का? हाँ, कह रहे कि अगर हमने कार्ड वापस नहीं दी तो वो पूरे शहर में आग लगा देंगे। डैड, मेरा डायनो होल्डर ठीक हो गया तो उसे लेकर यहाँ आ जाइए। लाता हूँ, तब तक तुम आग से दूर ही रहना। ठीक है डैड। आप भी देख सकते हैं कि डायनासोर इतनी तेजी से आग लगा रहा है कि फायर फाइटर्स उसे बुझा भी नहीं पा रहे हैं। अजीब बात है, आग में डायनासोर को कुछ नहीं हो रहा। मैं वही जा रही हूँ। बहुत अच्छे, अब वो शहर की ओर जा रहा है। अब आएगा मजा। आग उगलने वाला वो डायनासोर अब पेट्रोल पंप से आगे बढ़ गया है और कोस्ट रोड से होता हुआ शहर की ओर जा रहा है। अगर उसे जल्दी से नहीं रोका गया तो वो पूरे शहर में आग लगा देगा। हमारे सूत्रों ने खबर दी है कि सरकार ने शहर में इमरजेंसी घोषित कर दी है। शहर के लोगों से अपील की जाती है कि वो अपना घर छोड़ दें। तुम ठीक हो ना मैक्स? जोई, प्लीज तुम दूर ही रहो, वो बड़ा ही खतरनाक है। तो मैं भी कम नहीं। डायनो स्लैश गो ओलिम्पस ब्लूम। अरे नहीं, ये पिद्दी हमसे इनके दम पर लड़ना चाहते हैं। ये नहीं जानते कि हमारा एक्रोकैंथोसॉरस अब कितना खतरनाक हो गया है। ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। हाँ, पेरिस। ये खेल तो बड़ा ही मजेदार हो गया है। आपको ये वाली ड्रेस कहाँ से मिली डैड? ऑनलाइन, ये फायर प्रूफ मटेरियल से बनी है और इस पर आग का असर नहीं होता है। ये देखो, मैं तुम लोगों के लिए भी ये ड्रेस ला। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, आप मेरा डायनो होल्डर लाए हैं? हाँ लाया हूँ, मैं भूल ही गया था। लो ये लो। क्या बात है, तैयार हो जाओ। हम उन्हें शहर में आग कभी नहीं लगाने देंगे। डायनो ट्राइसेराटॉप्स हमला करो। ये
वजह से वो उसके करीब भी नहीं पहुंच पा रहा। इतनी गर्मी की वजह से चौंप का बुरा हाल है। वैसे एक्रोकैंथोसॉरस भी काफी तगड़ा लग रहा है। चौंप अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, इसको भी भेजना होगा। अभी अभी खबर आई है कि उस जगह पर अचानक ही दो और डायनासोर पहुंच गए हैं। वो उस आग उगलने वाले डायनासोर को शहर में घुसने से रोक रहे हैं। बेचारा चौंप। मैं जा रहा हूँ, मैं और इंतजार नहीं कर सकता, उन्हें मेरी जरूरत है। क्या हो रहा है? अरे नहीं, मेरा सुपर अल्फा कंट्रोलर जला दिया। नहीं चौंप, तुम आ गए? अपना डायनो होल्डर तो लाए हो ना रेक्स? नहीं लाया मैक्स, मेरे पास सिर्फ ये है। ये पत्थर? इस पत्थर से ही तुमने पहली बार चौंप को बुलाया था, भूल गए मैक्स? हाँ याद आया, तब मैंने शायद इसके अंदर से कार्ड को स्लाइड किया था। कोशिश करके देखते हैं। चलो डायनो स्लैश। इससे शायद कुछ नहीं होगा मैक्स। तुम गलत कर रहे हो, उल्टा करके स्लाइड करो। इस बार काम करना चाहिए। डायनो स्लैश डायनासोरस हल्ला बोल। ज्यादा करीब मत जाओ एस। रेक्स, तुम साइक्लोन से आग नहीं बुझा सकते हो, उसकी तेज हवा से तो आग और भड़क जाएगी। हाँ ये तो है, हमें पानी से आग बुझानी होगी वरना सब जल जाएगा। हाँ मगर इसको पानी पसंद नहीं है, वो तो पानी के करीब भी नहीं जाएगा। एक तरीका है जिससे एस का साइक्लोन भी आग बुझाने में मदद कर सकता है। अब क्या कह रहे हैं डैड? पर मैक्स, उसके लिए एस को थोड़ा गीला तो होना ही पड़ेगा। डैड साफ साफ बताइए ना, जब हवा के साथ पानी मिलता है तब हरिकेन बनता है, हम उसकी मदद से डायनासोर की आग बुझा सकते हैं। हवा और पानी, मगर इससे कुछ होगा? वैसे सामने ही समंदर है और पानी की तो कमी बिल्कुल भी नहीं है, पर सवाल ये है कि क्या इस पानी में जाएगा? आगे बढ़िए। अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो पूरा शहर जलकर राख हो जाएगा। मैं जानता हूँ। एस, मेरे पास आओ, चलो मेरे साथ। तुम्हें कुछ नहीं होगा सचमुच, आओ तो सही। एस तुम कर सकते हो। क्या तुम लड़ने के लिए तैयार हो? साइक्लोन! कुछ हो क्यों नहीं रहा है? पानी कहाँ है? मॉन्स्टर पूछ रही हो? पकड़ लिया। ये देखो बच्चों, मैंने भी एक मछली पकड़ी है।
तुमने तो कमाल कर दिया ऐश, माफ करना तुम्हें मेरे लिए पानी में कूदना पड़ा। इसी के साथ हमारी लाइव कवरेज खत्म होती है। वो डायनासोर जैसे आए थे वैसे ही अचानक गायब भी हो गए। फिलहाल तो यही लग रहा है कि हमारा शहर उन डायनासोर के हमले से बच गया है। हम डॉक्टर जी के लिए क्या क्या नहीं करते हैं? उन्हें पता भी है कि हम कितना जलते भूनते और पकते हैं। क्या कहा? वो एक्रोकैंथोसॉरस निकल गया और मेरा सुपर अल्फा कंट्रोलर भी जला डाला। आपको पहले बताना चाहिए था ना कि पानी से उसमें शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तुम्हें भी बताना चाहिए था कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। चलो अच्छा है कि कोई चीज मॉनिटर से बाहर नहीं आती है। अब क्या कहोगे? King is your destiny, yeah. The past is in the present. Time to twist it upside down. These fossils are colossal. Only one can wear the crown. Dinosaur King is your destiny, yeah.